हिंदू और मुसलमान दोनों साथ में बैठ के मूवी देख सकते हैं? जरूर, ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा मतलब एंटी मुस्लिम ना, वैसे तो कुछ नहीं है, क्योंकि गर्ल्स अगर किसी के प्यार में भी होती है तो अगर वो उसके खास का नहीं है तो उसे सोचना चाहिए। और क्या अभी कोई हिंदू लड़की को पूछ ले भाई कि हाँ भाई तेरे को बता अपने हिंदू कल्चर के बारे में, तो किसी को उतना पता नहीं रहेगा कंपैरेटिवली मुस्लिम कल्चर को लेकर। कोई हिंदू लड़की से 10 भगवान का नाम पूछो नहीं बता पाएगी। अब 3-4 नाइस मूवी, इट मींस आई ओपनिंग्स। अच्छा केरला के होता है ऐसा कुछ? केरला में ऐसा कुछ इतना नहीं होता, बस बोलने की बात है। मतलब बेस्ट हिंदू लड़कियों को अवेयर कर रहे हैं कि ये क्या होता है लव जिनात, क्या होता है धर्म के बारे में मालूम नहीं है स्पेशली हिंदुइज्म को लेके, लेकिन मुस्लिम कल्चर में बेसिकली कितना कुछ मालूम है अपने मुस्लिम कल्चर को लेके। अभी कोई हिंदू लड़की को पूछ ले भाई कि हाँ भाई तेरे को बता अपने हिंदू कल्चर के बारे में, तो किसी को उतना पता नहीं रहेगा कंपैरेटिवली मुस्लिम कल्चर को लेके। कोई हिंदू लड़की से 10 भगवान का नाम पूछो नहीं बता पाएगी। अब 3-4 बता देगी। इफ यू डोंट नो योर रिलीजन देन यू कैन बी इजीली मैनिपुलेटेड बाय अदर रिलीजन, सो मोटिव इज टू टेल आवर यूथ अबाउट द आवर रिलीजन। कैसे भी ऐसा लगा फिल्म मेकर्स के द्वारा ऑडियंस को मैनिपुलेट करने? नो नो नहीं नहीं, लेजिट ट्रू स्टोरी है, ट्रू स्टोरी लगी आपको? लेजिट। स्टार्स देना होगा तो कितने दोगे? 5 आउट ऑफ 5। थैंक यू वेरी मच। सर कैसी लगी मूवी? कुछ ऑसम मूवी, ऑसम लगी। क्या कुछ बोलना चाहोगे मूवी के बारे में? अच्छा मूवी है, बट समथिंग इट टीचर्स। ओके, क्या सीख दिया आपको इस मूवी ने? कुछ भी हो जाए हम है हमारी पहचान कभी छुपानी नहीं चाहिए। आपको कैसे लगी मूवी? लाल शाह फॉर ब्रिंगिंग दिस इनटू लाइमलाइट। थैंक यू। थैंक यू। बोलना चाहोगे क्या? बोलना चाहोगे ऑडियंस को आकर के थिएटर में देखे ओटीटी पे आने का? नहीं नहीं, थिएटर में देखे, ओटीटी पे भी वापस देखे। फाइव में से 7 दिन होगा तो कितने लोग? 4.5। एक्चुअली सब अपने घर वालों को भी देखना चाहिए ये मूवी, क्योंकि गर्ल्स अगर किसी के प्यार में भी होती है तो अगर वो उसके खास का नहीं है तो उसे सोचना चाहिए। और एक बहुत अच्छा प्यारा सा मैसेज है जो केरला में एक्चुअल हुआ या नहीं, बट अगर ये हुआ है तो बहुत अच्छा मैसेज है, हर इंडियन को ये मूवी देखनी चाहिए। किसी भी प्रोपेगेंडा वगैरह को सपोर्ट करते हुए दिख रही है मूवी? नहीं, सपोर्ट करते हुए नहीं दिख रही है, लेकिन जो गर्ल्स प्यार के नाम पर किसी और कम कास्ट से मतलब प्यार करती है और बाद में उनको रियलाइज हो जाता है कि गलत है, उनको ट्रैप किया जाता है लव जिहाद के नाम पर या फिर कभी नॉन मुस्लिम वगैरह ऐसा स्टेट में बैन कर दी गई थी मूवीज को, बट हाईकोर्ट ने बोला कि वापस से शुरू करना। नहीं नहीं, ये मूवी बहुत अच्छी है, इन फ्यूचर जिनके साथ बुरा हुआ है वो तो हुआ है, बट इन फ्यूचर जो गर्ल्स होंगी और जो देखेंगी तो मुझे लगता है कि वो हेल्पफुल होगा। ये मतलब Ladies get knowledge, the education they're getting, but actually they should be concentrating about the parents should be tell them to what the of the religion is this, what the country is, अपनी परंपरा क्या है वो भी सिखाना जरूरी है। और सही गलत के बीच में जो फर्क कर होना चाहिए, अगर अपना दोस्त है अपने को जो सिखा रहे वो सही है या गलत उसे भी हम लोग मतलब खुद अपने दिमाग से सोचे। इसमें हमने जो दिखाई जो उसकी जो फ्रेंड दिखाई है जो उसको जो समझा दी है वो भी समझे, लेकिन खुद समझना चाहिए कि अपने फ्रेंड भी जो हमें सिखा रहा है वो सही है कि गलत। कहीं से भी ऐसा लगा फिल्म मेकर के द्वारा पब्लिक को मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई है? नहीं, लेकिन मैसेज बहुत अच्छा है, मतलब अगर उसमें मतलब जो भी वो फिल्म में जो दो लड़कियों से जो गलती हुई है तो बाकी जो लेडीज जो अभी जब मूवी इन्होंने देखे जो उसको आगे दोहराए नहीं और सही और गलत में मतलब फर्क करने की वो मतलब खुद में वो क्षमता लानी जरूरी है। नाइस मूवी है, आई ओपनिंग थिंग। ओके, लगता है आपको ऐसा कि किसी पॉलिटिशियन मतलब फिल्म मेकर ने इतनी बड़ी गलती कर दी कि ये उनको फांसी दे देना चाहिए? बिकॉज कुछ पॉलिटिशियन बोल रहे हैं कि ये लोग
हिंदू और मुसलमान को लड़ाना चाहते हैं, ऐसा कुछ है मूवी के अंदर हिंदू मुसलमान को लड़ाना? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं लगा मुझे, लेकिन एक नाइस मैसेज है, मीन्स हाउ शुड यू टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, एंड मतलब अपने बच्चों को आप अच्छे से मतलब अपनी परंपराओं इसके बारे में अगर नॉलेज दोगे तो वो प्रॉब्लम में मतलब जैसे लड़की जैसे फंसती ही दिखाई दे रही है वैसे आगे नहीं फंसेंगे। फाइव में से स्टार्स देना कितना पसंद करोगे आप इस मूवी को? 5 out of 5, नाइस थिंग। मेकर्स को क्या बोलना चाहोगे, फिल्म मेकर्स को क्या बोलना चाहोगे? नहीं, ऐसी एक्चुअली मूवीज आनी चाहिए, मतलब प्रॉब्लम जो अभी की मतलब जो यंग जनरेशन जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ऐसी प्रॉब्लम मतलब मूवीज के थ्रू दिखा के लोगों को उसके बारे में जागरूक करना जरूरी है। हिंदू और मुसलमान दोनों साथ में बैठ के मूवी देख सकते हैं? जरूर, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, मतलब एंटी मुस्लिम? नहीं, वैसे तो कुछ नहीं है, मतलब जो बेसिकली रॉन्ग थिंग जो मतलब जो मतलब आई ओपनिंग थिंग जो होने चाहिए लड़कियों का कैसे इस लाइफ मतलब करंटली सिचुएशन से हैंडलिंग करना चाहिए वो एक उसमें से अच्छा सा एक लेसन हम सीख सकते हैं। नाइस नाइस मूवी, थैंक यू। And really, the eye-opening thing. Okay. It means it can help the society to think in a good, nice way. लगता है कुछ change होगा इस movie को देखने के बाद society के अंदर, या वही पुरानी आदत अपन Indians की 10 दिन याद रख के बाद में सब भूल जाते हैं? नहीं नहीं, एक अच्छी thing है, सिर्फ हमारी जो परंपरा के साथ भी हमें मतलब modern होने के साथ परंपरा के साथ भी जुड़ना जरूरी है, ये मुझे इसमें टीवी पे आएगी ये मूवी लग रहा है कि इसमें कुछ ऐसा आपत्तिजनक है कि इसको टीवी पे रिलीज नहीं होने देंगे? नहीं, वैसा तो आपत्तिजनक कुछ नहीं है, उलट इससे कुछ नई सीख हम सीख पाएंगे ऐसा लगता है मुझे। गवर्नमेंट से आप डिमांड करते हो उसको टीवी पे दिखाना चाहिए? सकता है, जरूर, उसमें कुछ गलत तो नहीं है, गलत नहीं लगा आपको? लेकिन अभी हर किसी के सोचने का तरीका अलग है, लेकिन एज अ मैंने जो एज अ व्यूअर और एज अ मेरे वाइफ दोनों ने हमने देखा, लेकिन मतलब लड़कियों को मतलब जो होना चाहिए फैमिली को भी अपने बच्चों को अच्छी मतलब हमारी वैल्यूज क्या है वो भी सिखाना जरूरी है, ये मुझे ज्यादा उसमें एक मैसेज। यस, ये बहुत जरूरी है, सिर्फ मॉडर्नाइजेशन के साथ के अपने यू शुड बी परंपरा को भी उसके साथ जोड़ना चाहिए हमें। ओके, कुछ बोलेंगे आप? बोल दीजिए। यस, एक फीमेल बोलेगी तो ज्यादा फीमेल लोग सुनते हैं। देखो, को गलत करने से नहीं डर रहे तो आप बोलने से क्यों डर रहे? भैया काय म्हणता त्या मूवी मध्ये तुम्हाला काय वेगळं काय वाटलं, तुम्हाला काय वाटलं? हमारी परंपराओं के साथ भी जाना जरूरी है, मॉडर्नाइजेशन विद द परंपरा दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। हम लोग का भी स्टडीज के पीछे लगता है होना चाहिए, स्टडीज मना थोड़ी ना किया किसी, होना चाहिए, लेकिन हमारे सबसे ज्यादा स्टडी तो दुनिया को हमारे ट्रेडिशन क्या है, हमारे वो भी बच्चों को हम लोग सिखाना चाहिए। हमारा फ्रेंड है लेकिन हमें जो सिखा रहा है सही है कि गलत, वो हमने कुछ सोचना चाहिए। बोल रहे थे कि इसमें नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बट अभी हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने इसको मतलब ऑर्डर दिया कि वापस रिलीज करने के, तो अब मुझे नहीं ऐसा कुछ लगता कि इसे कुछ गलत दिखाया, उलट अच्छा इससे उल्टा लोगों में मतलब एक बदलाव की कोशिश। यस, बदलाव जरूर आएगा, बदलाव। थैंक यू सर।